एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है तो दूसरी ओर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दिनों वनडे सीरीज में व्यस्त है। इन दोनों सीरीज के बीच भी हर किसी को इंतजार है नवंबर का, वही नवंबर जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी और दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। भारत के खिलाफ अपने ही घर में लगातार 2 बार सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी के लिए बेकरार है, लेकिन उसके इस अरमान पर संकट के बादल छाने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोटिल हो गए हैं और उनके टेस्ट सीरीज तक फिट होने को लेकर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रहा है। कैमरन ग्रीन को यह चोट इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान ही लगी है जिससे वो बाहर हो गए। 25 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज और तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन का स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दौरे पर T20 और वनडे सीरीज में प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। हालांकि तीसरे वनडे के बाद उन्हें चोट लग गई। डरहम में खेले गए इस मुकाबले में कैमरन ग्रीन ने 42 रन बनाए और साथ में 2 विकेट भी हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच के दौरान ही ग्रीन के पीठ में चोट लग गई जिसके चलते वो चौथे वनडे में भी नहीं खेल सके और सीरीज से ही बाहर हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें देश वापस लौटने को बोल दिया है और वो अपनी टीम से पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। cricket.com.au की रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रवक्ता ने साफ कहा कि कैमरन ग्रीन की चोट को उनकी जो गंभीरता है उस चोट की वो देश लौटने के बाद ही उसका पता चल पाएगा। कैमरन ग्रीन जल्द ही अपने घर पर लौटेंगे और फिर उनकी पीठ के स्कैन कराए जाएंगे जिससे ये पता चल सके कि भाई आखिर चोट कितनी गंभीर है और वापसी में मैदान पर कितना वक्त कैमरन ग्रीन को लग सकता है। कैमरन ग्रीन बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इस ऑलराउंडर के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने को लेकर कुछ खास नहीं बोल पा रहा है, श्योरिटी नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 22 नवंबर से ग्रीन के होम ग्राउंड यानी कि पर्थ से ही शुरू होगी और जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सिडनी के साथ जाकर खत्म होगी। ऑस्ट्रेलिया में 4 साल पहले खेली गई पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ही अपना टेस्ट डेब्यू कैमरन ग्रीन ने किया था और तब उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था, जबकि मेलबर्न और ब्रिस्बेन टेस्ट में छोटी छोटी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पारियां भी खेली थी। कैमरन ग्रीन ने पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत दौरे पर अहमदाबाद में एक शानदार शतक भी लगाया था और वहीं इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में भी उन्होंने 174 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। कैमरन ग्रीन अभी तक 28 टेस्ट मैच में 36 की औसत से 1377 रन बना चुके हैं जबकि 35 की औसत से 35 विकेट टेस्ट क्रिकेट में वो ले चुके हैं, मतलब कमाल के ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया की पिछली सीरीज में कैमरन ग्रीन ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी भी की थी, मतलब टॉप ऑफ द ऑर्डर कह लें, मिडिल ऑर्डर में कह लें, लोअर मिडिल ऑर्डर कह लें, हर जगह ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर सकता है। गेंदबाजी में कितने इंपॉर्टेंट है दुनिया ने देख रखा है। अच्छी खासी स्पीड से 140 प्लस की स्पीड को टच कर सकते हैं, इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। आईपीएल में भी काफी भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते हैं, जिस टीम के लिए भी खेलते हैं वहां पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, गेंद हो चाहे बल्ला हो दोनों से अपना योगदान देते हैं। ऐसे में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी इंपॉर्टेंट सीरीज WTC फाइनल के पहले आखिरी सीरीज भारत की होगी। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है जहां पे कैमरन ग्रीन को चोट लगी है, इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो ऑस्ट्रेलियाई सीरीज यानी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की उस इंपॉर्टेंट सीरीज के पहले चोट से उबर पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक होगा, वरना ये बहुत बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लाइव। नमस्कार।